सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल को एंड दबाइए ये नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। आज हम लोग ह्यूमन कैलकुलेटर सीरीज का पार्ट टू डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कोई भी नंबर को कैसे 11 का साथ विद इन अ सेकेंड हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड उसका पीछे क्या क्या ट्रिक्स है वो भी हम लोग जानेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने ब्राउज़र में YouTube खोलिए एंड केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल सर्च करके इस चैनल पे आइए। देन सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड उसके बगल में बेल आइकन को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप इस चैनल का सभी वीडियो को देख सकें। देखिए हम लोग यहाँ पर बहुत ही बड़ा बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम लोग स्टार्ट जो करते हैं एक छोटा नंबर से लेकर करते हैं, क्योंकि छोटा नंबर को लेकर अगर स्टार्ट करेंगे तो समझने में ज़्यादा आसानी होगा। बाद में देखिए ये 15, 172, 397, 123, 45, 97, 352 इतना बड़ा बड़ा डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये छोटा डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए क्या करना है, पहले ट्रिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। 15 × 11 क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिखना है एंड इसको भी एज इट इज़ लिखना है। फिर क्या करना है, ये जो दोनों हैं इसको खाली ऐड कर देना है। ऐड क्या होगा मेरा, 6। दिस इज़ माय आंसर, 165, है ना, बहुत आसान। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए 172 × 11 क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट एंड जो लास्ट डिजिट है इसको लिख देंगे, देन ऐड करेंगे इसको इसका साथ, देन क्या आएगा मेरा 9, देन इसको इसका साथ क्या आएगा मेरा 8। दिस इज माय आंसर, क्या है, 1892। अब देखिए और एक बड़ा नंबर लेते हैं, 397 × 11 क्या करना है, सेम 3 और 7 को एज इट इज़ लिख देना है, देन ऐड करना है 9, 7, 16, लेकिन हम लोग यहाँ पर 16 का ओनली 6 लिखेंगे एंड जो 1 रहेगा उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड देन 9 + 3 कितना है, 12 एंड ये जो 1 कैरी फॉरवर्ड किया उसको मिला के मेरा कितना होगा 13 का भी ओनली 3 लिखेंगे एंड जो 1 है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड ये जो लास्ट डिजिट है इसके साथ ऐड कर देंगे, देन मेरा फाइनल आंसर क्या है, 4, 3, 6, 7, वेरी इजी। देखिए आपको लगेगा कि ये बहुत ही टाइम लग रहा है, लेकिन हम आपको सब कुछ तोड़ के एकदम समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर एकदम फटाफट कर देंगे तो जस्ट 1 या 2 सेकंड लगेगा। अगर आप लोग भी इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आप लोगों को भी 1-2 से ज़्यादा सेकंड नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पर और एक एग्जांपल लेते हैं, वो है 913 × 11 देखिए इसको कितना जल्दी करना है, 9, 3, 4, 0 + 1, 10, 0, 4, 3 दिस इज माई आंसर, हुआ ना जल्दी। बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और भी जल्दी होगा। सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल को एंड दबाइए ये नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा और भी बड़ा नंबर, ये जो पहला वाला जो नंबर था वो 3 डिजिट का था, अब जो मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा 5 डिजिट का। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 × 11 क्या होगा, दिस वन इज 1, दिस वन इज 5, देन 9, 7, 5, 3 दिस इज माई आंसर, 1, 3, 5, 7, 9, 5 कितना टाइम लगा, फिर भी तो हम इतना ये मार्क किया, ये सर्कल बनाया, ये किया वो किया, इसके वजह से हम लोगों को इतना टाइम लगा। लेकिन अगर और भी जल्दी करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर
ओनली 1 5 लिखेंगे, देन 9 7 5 3, बस इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट को लिखने के लिए हार्डली हम लोगों को 3 सेकेंड लगेगा, ओनली 3 सेकेंड में हम लोग इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और एक लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल लेते हैं, एंड ये जो नंबर होगा ये बहुत ही बड़ा नंबर, देखिए 9 7 3 5 2 × 11। हम लोग रैंडमली कोई भी नंबर को पिक कर सकते हैं, कोई भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रूल फॉलो होगा, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इजी। 9 2 देन 7 8 0 7 3 10 0 9 7 16 एंड 1 17 एंड दिस वन इज कैरी फॉरवर्ड, दैट मीन्स 10 7 0 8 7 2, दिस इज माई फाइनल आंसर। तो फिर चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना एकदम मत भूलिए। अगर आपका कुछ डाउट क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी है तो आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन पे जाइए एंड वहाँ पे लिख दीजिए, हम उसको पढ़ लेंगे एंड उस हिसाब से आपका डाउट क्लियर करेंगे या फिर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने ब्राउज़र में यूट्यूब खोलिए एंड केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल सर्च करके इस चैनल पर आइए, देन सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड उसके बगल में बेल आइकन को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप इस चैनल का सभी वीडियो को देख सके।